मदिरा व्यापारियों ने बढ़ती दरों को लेकर आबकारी विभाग में दिया ज्ञापन। कहा, महंगाई के जमाने में नहीं बढ़ाया जा रहा है मार्जिन। कल से अजमेर में हो सकती है शराब के ठेकों की हड़ताल। आज अजमेर में मदिरा व्यापारियों ने शराब की बढ़ती दरों को लेकर आबकारी विभाग में ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि सरकार द्वारा आए दिन रेट बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से ग्राहकों को भी खरीदने में परेशानी हो रही है और साथ ही ठेकेदारों का कोई मार्जिन नहीं बढ़ाया जा रहा है। जबकि 22% मार्जिन में हमने दुकानें ली थी, लेकिन उसके बावजूद 10-11% मार्जिन मिल रहा है। आए दिन पुलिस द्वारा भी हमें परेशान किया जाता है, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर जल्द इस मामले का निस्तारण करने की मांग की। इनका यह भी कहना है कि आज जोधपुर की तरह कल अजमेर में भी दुकानें बंद हो सकती है। हमारे ऊपर नाजायज हर साल 10% की लिफ्टिंगों पे इंक्रीजिंग करते हैं। एसवीएफ के नाम पे एसवीएफ जो है हमारे पैसे को एसवीएफ में बना के और एसवीएफ जो है 6 महीने में ख़त्म करके हमारे से अननेसेसरी एसवीएफ के नाम पे पैसा लेते हैं। प्लस अन्य किस हर तरह के कभी को किस प्रकार का टैक्स, कभी किस प्रकार का टैक्स, अलग अलग टैक्स लगा के और नाजायज हमारे से पैसा वसूल किया जाता है। और चालू शस्त्र में जो है बिगर किसी परमिशन के बीच के अंदर जो नियमों में नहीं है, जब मर्जी आती है तो पैसे बढ़ा देते हैं अपना हिसाब। 20 से 30% रेटें इंक्रीज कर दी 5 महीने के अंदर और ठेकेदारों को कुछ नहीं मिला। 22% मार्जिन बता के 10-12% मार्जिन दिया जा रहा है और नाजायज परेशान किया जा रहा है कि आपको माल की लिफ्टिंग। अब रेटें गवर्नमेंट इतनी बढ़ा रही है, मार्केट में सेलिंग जो है, जब जो चीज़ 100 रुपये की है अगर वो चीज़ 130-135 की कर देंगे तो मार्केट में सेल कम होगी। 10% का टारगेट इंक्रीजिंग करके आपको माल एक्स्ट्रा उठाना, नहीं उठाओगे तो उस पर पेनल्टियाँ जमा कराओ। मतलब हर तरीके से ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। आपका नाम? सुभाष। आज अजमेर जिला के सारे मदिरा संघ के सभी ठेकेदारों ने मिलकर शांतिपुर ज्ञापन दे रहे हैं डीओ साहब को कि जिस टाइम पॉलिसी बनी थी उस टाइम हमें ज्ञात किया गया था कि इसमें 22% का मार्जिन है, जो अब हमें मार्जिन 10-11% का मार्जिन मिल रहा है और सरकार अपनी रेटें बढ़ाती जा रही है। ना हमारे मार्जिन का ख्याल है, ना किसी चीज़ का ख्याल है। आए दिन पुलिस प्रशासन हमें परेशान करता है ग्राहकों को पकड़ने का। 185 मुकदमे का 1 तारीख को 4,000 रुपये का जुर्माना हो रहा है, जिससे पहले ही हमारी बिक्री पे बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। और रेट राउंड ऑफ करने के लिए हमने इसमें एक और चीज़ लिखी है, रेट राउंड ऑफ करने के लिए, क्योंकि इनकी रेटें रोज़ आए दिन ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन उस पर ज्ञात नहीं किया, लिखा नहीं जाता है, और जिससे हमें रोज़ ग्राहकों से सेल्समैन की अनबन होती रहती है। और इस 5 महीने में 3 बार रेटें बढ़ी हुई हैं। अब रेटें बढ़ती है या तो उसको आप उसको प्रिंट आउट करो या हमारे ओवर रेटों की और इन चीज़ों की तो आप खबरें दे देते हो, उन चीज़ों पे हमारे खिलाफत कर देते हो, इन चीज़ों पे कौन ध्यान देगा। और जब 22% मार्जिन लिया, आज 25 लाख रुपए दुकान की फीस है, हमने तो 22% देख के दुकान ली है उस हिसाब से। नहीं तो अभी सब दुकानें, जितनी भी दुकानें हैं ऑल ओवर राजस्थान की, वो नुकसान में घाटे में चल रही हैं। आज दुकानें जोधपुर में बंद हैं, कल हमारी भी दुकानें बंद हैं। अगर हमारी इन चीज़ों पे गौर नहीं किया गया तो हमारी भी दुकानें कल से बंद हैं। सब चाबियां ला के हम यहाँ दे देंगे, भाई आप ही दुकान चला लो। विभाग कैसे चलाता है, दुकानों का किराया देखो, मकान मालिक दुकान का किराया बढ़ाता जा रहा है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। चलो महंगाई का मुद्दा ले लो, महंगाई बढ़ती जा रही है तो हमारी मार्जिन भी तो बढ़ाओ। मार्जिन बढ़ा नहीं रहे, मार्जिन हमारी वही आज जो 4 साल पहले 5 साल पहले मार्जिन थी वही मार्जिन चल रही है, 11% मार्जिन चल रही है। जबकि अब के पॉलिसी में बिल्कुल दर्शित किया गया है, 62 नंबर पॉइंट है जो उस पर दर्शित किया गया है कि 22% मार्जिन दिया जाएगा आपको, तो उस मार्जिन का कोई अता पता ही नहीं, वही 12% मार्जिन चल रहा है। जितेंद्र रंगवानी। सरकार की जो घोषित नीति है उसके अनुसार अनुज्ञाधारी को दुकानें संचालित करनी है। क्या कह रहे हैं? पुलिस भी सरकार की ही एक प्रशासन का ही प्रमुख अंग है। यदि इनके द्वारा कोई ऐसा वायलेशन किया जाता है जिसपे कि पुलिस को अधिकार है, तो वो पुलिस भी स्वतंत्र है कार्यवाही करने के लिए। हाँ सर, क्या मामला है जो ये ज्ञापन लेके आए, क्या रही है? विभाग को ज्ञापन दिया है, क्या मामले हैं? अनुज्ञाधारियों द्वारा अपने कुछ मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर अजमेर के अनुज्ञाधारी आए हैं और उन्होंने कुछ अपने मार्जिन को लेकर के, जो उनको ट्रेड में मार्जिन मिलता है, और उसके अलावा कुछ जो ऐसे नीतिगत प्रश्न है उनको लेकर के भेजा है ज्ञापन।
वो हम सक्षम अधिकारियों तक उच्च अधिकारियों तक पेश करते हैं। ठीक है सर, इन्होंने चेतावनी दी है अगर मांगे पूरी नहीं मानी जाती तो दुकानें बंद हो सकती है, ऐसी कोई चेतावनी इन्होंने मुझे तो नहीं दी है या विभाग को नहीं दी है, लेकिन यदि ये स्वेच्छा से ऐसा कुछ करते हैं तो वो उनका विवेकाधिकार है। सरकार की जो नीति है उसके अनुसार दुकानें चलाना ये लाइसेंस कंडीशन से भले नहीं करेंगे तो आप परेशान होकर करेंगे। 20-22% मार्जिन तो सही है।